तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है और लिस्ट में 30 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें, बंसल न्यूज की खबर पर भी मोहर लगी है, जहां पर अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव को टिकट दिया है, तो वहीं सीतापुर से अमरजीत भगत को टिकट दिया गया है, खरसिया से उमेश पटेल को टिकट मिला है, तो कोरबा से जयसिंह अग्रवाल को अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया, सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत को टिकट दिया है, आरंग से शिव कुमार को टिकट दिया गया, मानपुर से इंद्र शाह मांडवी, अंताकड़ से रूप सिंह, भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी, कांकेड़ से शंकर ध्रुव को टिकट मिला है, केशकाल से संतराम नेताम, कोंडा गांव से मोहनलाल मरकाम, नारायणपुर से चंदन कश्यप, बस्तर से लखेश्वर बघेल, चित्रकूट से दीपक बैच को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं दंतेवाड़ा से छविंद्र महेंद्र कर्मा को टिकट दिया है, बीजापुर से विक्रम मंडावी, कोंटा से कबासी लखमा को टिकट दिया है। तो ये वो 30 चेहरे हैं, 30 वो नाम हैं जिनको कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में स्थान दिया है। तो छत्तीसगढ़ में लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस आखिर अपनी सूची कब जारी करेगी, और ये कयास भी लगाए गए कि पितृपक्ष चल रहे थे, इसकी वजह से टिकट नहीं देंगे। कई बार टीएस सिंहदेव ने भी आकर कहा कि पितृपक्ष चल रहे हैं, और कुछ नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का ऐसा मानना है कि इस समय टिकट या नामों का ऐलान करना सही नहीं है। और 15 तारीख जो माना जा रहा था कि 15 तारीख को लिस्ट जारी हो सकती है, कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले और 30 प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस ने घोषित किया है, लेकिन बंसल न्यूज की खबर पर भी पूरी पूरी मोहर लगी है। बंसल न्यूज ने जो संभावित सूची बताई थी, उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं कि वही नाम यहां पर कांग्रेस ने अपनी सूची में दिखाए हैं। अब पाटन एक बड़ी बाजी रहेगी, पाटन बड़ा खेल रहेगा पाटन का, जहां भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल। आपको बता दें, विजय बघेल पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में बीजेपी में आए हैं, और विजय बघेल सांसद रहे हैं, और अब विजय बघेल और भूपेश बघेल की, यानी चाचा और भतीजे की आपसी टक्कर पाटन में देखने को मिल सकती है। तो ये वो तस्वीरें हैं या ये वो नाम हैं जो हाईलाइट रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के दिग्गजों में अब दूसरा नाम आता है टीएस बाबा का, टीएस सिंहदेव, अंबिकापुर से डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ये बड़े दिग्गज हैं। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 20 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, केशकाल, संतराम नेताम। तो चलिए, अब कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जो सूची जारी की है उसमें बड़ी बातें क्या हैं, उसकी बड़ी बातें भी हम समझ लेते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल कांग्रेस की 30 उम्मीदवारों ने की सूची एक जारी की है, जिसमें पाटन से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है, तो 11 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है, ये बड़ी बात है। लिस्ट में 4 महिलाओं को भी शामिल किया गया है, महिलाओं को लेकर भी लगातार बातें कही जा रही थी, तो 4 महिलाओं को टिकट दिया है। प्रथम चरण की 20 सीटों में से 19 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो अब जो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, तो पहले चरणों की 20 सीटों में से 19 प्रत्याशी तो कांग्रेस घोषित कर ही चुकी है। एक सीट जगदलपुर से अभी भी पेंच फंसा हुआ है, नवागढ़ से मंत्री गुरु रुद्र कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। तो चलिए आपको ये और बता देते हैं कि आखिर कांग्रेस ने टिकट किस किस का काटा है, क्योंकि इसको भी आमतौर पर जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा कहती रही हैं कि कुछ लोगों का टिकट कट सकता है। कांकेर से शिशुपाल सोरी, अंतागढ़ से अनूप नाग, डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, पंडरिया से ममता चंद्राकर, नवागढ़ से गुरदयाल सिंह बंजारे, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, चित्रकूट से राजमन बेंजाम, खुज्जी से छत्री साहू, ये वो नाम हैं जो माने तो जा रहे थे कि इन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन इनका टिकट कट गया है। 8 एमएलए भी हैं जिनका टिकट काटा गया है। और चलिए, और कुछ इस पूरी लिस्ट को लेकर हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जगदलपुर, जहां से हमारे सहयोगी रजत वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, टिकट घोषित हो चुके हैं, कुछ ऐसे नाम रहे जो 8 विधायकों के टिकट भी इस लिस्ट में से गायब हैं, यानी कि आमतौर पर जब पहले ही सवाल कांग्रेस से किया जाता था तो कुमारी शैलजा भी कई मौके पर कह चुकी हैं कि टिकट कट सकते हैं, और बाकी 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। किस तरह की स्थिति अब देखने को मिल रही है, क्या इन टिकट कटने के बाद से कुछ विरोधाभासी स्वर वहां से सुनाई देंगे, या किस तरह से
कांग्रेस अब इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करेगी? जी देखिए दिनेश जी, विरोध की जहां तक बात है तो ये स्वाभाविक इसे माना जा सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस ने जो टिकट जो नामों का ऐलान किया है, इसके साथ ही ये भी तय माना जा रहा था, क्योंकि भाजपा ने कुछ बड़े परिवर्तन किए थे, 8 नए चेहरों को मैदान में उतारा था, इस लिहाज से ये भी तय माना जा रहा था कि कांग्रेस की जो सूची आएगी इसमें भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। आज दोपहर में जब पीसीसी चीफ दीपक बैज जगदलपुर के एयरपोर्ट पहुंचे और मीडिया से उनकी बात हुई, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि 30 लोगों की जो सूची आज जारी की गई है और इसके बाद जो 60 और लोगों की सूची जारी होगी तो क्या उसमें भी इसी तरीके के समीकरण देखने को मिलेंगे, तो उनका कहना था बिल्कुल, आलाकमान जो है वो बहुत संजीदगी बरत रहा है और एक एक सीट को जो है वे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है ताकि 75 पार का जो टारगेट लेकर पार्टी चल रही है उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न ना हो। जगदलपुर एक ऐसी सीट है जिसमें अब भी पेंच फंसा हुआ है, समझा जा रहा है कि देर रात में या फिर कल अर्ली मॉर्निंग इस सीट पे भी प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया जाएगा। बस्तर की कुछ सीटों की अगर बात करें तो कोंटा, जगदलपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला स्वाभाविक तौर पर बहुत दिलचस्प देखने को मिलेगा। 5 बार के विधायक और वर्तमान में आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो है वो इस बार फिर से मैदान में है और उनके सामने भाजपा ने जिनको कैंडिडेट बनाया है उनका बैकग्राउंड जो है सलवा जुलूम से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर यह देखने लायक होगा कि इन दोनों के बीच में मुकाबला आखिर कहां जाकर ठहरता है। इसी तरीके से कोंडागांव में एक वर्तमान मंत्री और एक पूर्व मंत्री के बीच मुकाबला होना है। चित्रकूट से दीपक बैज लड़ेंगे जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, काफी अच्छा उनका जनाधार माना जाता है। इनके सामने भी भाजपा ने जो कैंडिडेट को उतारा है वे अभी तक जो है ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत स्तर की राजनीति करते रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 12 सीटें जो है इस बार बस्तर में चुनाव के दौरान काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, काफी नई चीजें देखने को मिलेगी दिनेश जी। और जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, खास करके जो नाम सामने आए और कुछ लोगों के नाम भी काटे गए, पहले भी इसे लेकर ये कयास लगाए जा चुके थे और ये माना जा रहा था कि जिस तरह से बीजेपी ने हेरफेर किया तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सीधे एक साथ सीधी पिच पर तो नहीं खेलेगी कि फ्लैट पिच पर आके खेले, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाउंसर कांग्रेस भी यहाँ करने वाली है और वो इस पहली लिस्ट में झलक देखने को मिली है। चलिए रोशन सोनी भी हमारे साथ सरगुजा से जुड़े हैं। रोशन, साफ तौर पर देखने को मिला बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, उसमें काफी हेरफेर हुआ, अभी भी कांग्रेस के 60 नाम बाकी हैं, क्या कुछ और हेरफेर नजर आएगा या अभी कुछ और ऐसे विधायक हैं जिन्हें ऐसे टारगेट पर लिया गया हो कि हाँ इनके भी टिकट इस बार कट सकते हैं, शायद उनको भी ये पता होगा क्योंकि सरगुजा से भी ऐसी खबरें आती रही हैं सामने। ये बिल्कुल, आपको बता दें कि सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटों में जो है कांग्रेस ने आज 2 उम्मीदवारों को जो है मैदान में उतार दिया है, दोनों दिग्गज हैं जिसमें डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का नाम है अंबिकापुर विधानसभा सीट से और जो दूसरी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है कांग्रेस की वो जो सीतापुर विधानसभा सीट है इसमें कांग्रेस ने अमरजीत भगत को चुनावी मैदान में उतारा है। और बात करें अगर बीजेपी की तो 14 सीटों में से बीजेपी ने अब तक जो है 13 सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अंबिकापुर विधानसभा सीट पे टीएस सिंहदेव के सामने बीजेपी से किस प्रत्याशी को बीजेपी उतारेगी ये अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। वहीं बात करें तो सरगुजा संभाग के 14 सीटों में 2 प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद, टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत की घोषणा होने के बाद, अभी भी कांग्रेस मंथन कर रही है कि 12 सीटों पर किन किन प्रत्याशियों को उतारा जाए, क्योंकि कई पैरासूट प्रत्याशी भी अलग अलग सीटों पे अपने प्रत्याशी बनने को लेकर के जो है दौड़ लगा रहे हैं। वही कांग्रेस आला हाईकमान अभी ये तय करने में अभी लगी हुई है कि सरगुजा संभाग के जो शेष जो अन्य सीटें हैं उस पे किन्हें उतारा जाए। हाँ, अमरजीत भगत खाद्य मंत्री से जब बंसल न्यूज टीम की जब बातचीत हुई तो अमरजीत भगत ने भी इशारा किया है कि जो कुछ सीटिंग एमएलए हैं उनके भी टिकट कट सकते हैं। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर टीएस बाबा भी एक बार कह चुके हैं कि किसी ना किसी का टिकट कट सकता है, ये फैसला हालांकि हाईकमान लेगा, उन्होंने ये भी कहा। हालांकि शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोशन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब टिकटों की घोषणा हुई है, हालांकि अभी सिर्फ 30 नाम सामने आए हैं, अभी भी 60 नामों का ऐलान होना बाकी है और 60 नामों का ऐलान किस तरह से हो पाएगा, कौन से वो लोग होंगे जिनके टिकट कटेंगे और
क्या उसका विरोध होगा और उसे कैसे पार्टी संभाल पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जैसे एक एक दिन करके अब निकलते जाएंगे चुनावी जो सरगर्मियां हैं और गर्म होती जाएंगी।